नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूजलाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त हमारे साथ दमन दीव के सांसद जो लालू पटेल जी हैं, इस वक्त मौजूद हैं। नया साल किस तरह से दमन में मनाया जा रहा है, इसकी छाप दमन दीव दादरा नगर हवेली की तमाम जनता को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे लालू भाई? सांसद साहब, किस तरह से संदेश देना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे इस नए वर्ष के उपलक्ष्य? दादरा नगर हवेली दमन दीव सिटी हो गया और हमारा पूरा भारतवासी हो और जो बाहर बसे हुए सब पूरे विश्व में, उसको भी आज संदेश ऐसा देता हूँ कि हमारा दिवाली नया साल इतना अच्छा जा रहा है, कोई मगजमारी नहीं, कोई शांति से मस्ती मजा कर रहे, नए कपड़े जूते मिठाई वगैरह। हमारे अभी अभी की गौर माता जी के आए यार, इधर वो आशीर्वाद लेके गई, ऐसे हमारा भारत में माहौल ही अच्छा है। हमारी भूमि ये पावन भूमि हमारी, हमारा देश ऋषि मुनि का देश है और दमनदीव हमारी देवभूमि है, प्रेम भाव ऐसा होता रहता है, बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत बढ़िया, रियली बढ़िया लगता है सबको आना। आज सुबह से 2-3 हज़ार लोग मुझे मिले, मैं हर साल कहाँ नहीं जाता, कोई भी त्यौहार होता है हमारा तो हम गाँव घर नहीं छोड़ता, सबको मिलना जुलना आना, या पब्लिक हमारे पास आती है तो कितना अच्छा लगता है, एनर्जी। सुबह से ग्लास पानी पिया बस अभी तक, फिर भी ये पब्लिक हमारी, हमारा कार्यकर्ता, हमारा सगा संबंधी सब जो हमारे परिवार से जो आते हैं, उसको देख के प्यास भी नहीं लगती और भूख भी नहीं लगती, और आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा। मीडिया आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, धन्यवाद। सांसद जी, ये जो युवा पीढ़ी जो इस वक्त हमारे सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह से हमारी जनता जो आपको देख रही है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने आगे उज्ज्वल भविष्य के लिए मेहनत और परिश्रम करें? मीडिया टीम है ना, उसके बिना नहीं चलता। हमारी थाली में एक सब कुछ पकवानों का एक चटनी नहीं होती ना तो थाली का कीमत नहीं होता। तो यहाँ मीडिया इतना अच्छा है ना, आज मीडिया से हम लोग, हमारा देश और हम लोग सब आगे बढ़े, मीडिया इतनी मेहनत कर रही है। मैं तो कभी भी सोचता हूँ बेचारा इतना गांव घूमता, शहर घूमता, आप लोग कहाँ कहाँ जाते और एक छोटी छोटी चीज आप उठा के लाते और सबको बताते आप में क्वालिटी है जी। और मीडिया नहीं होता तो हमारे ये राजनीति का कोई मतलब नहीं रहता। मीडिया से जो डायलॉग होता है हमारा देश के अंदर, दमन के कहाँ भी, तो मीडिया उसमें पार्टनर है। मीडिया होता तो हमारा आगे बढ़ा और सब कंट्रोल करते आप लोग। युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश दे दीजिए। युवा पीढ़ी भी बहुत अच्छा काम करे, युवा पीढ़ी तो हमारा देश समाज को परिवर्तन करिए, युवा एक्टिव हो जाएगा तो कोई हमारा देश को कोई ताकत नहीं कि दूसरा देश हमारे पे आ जावे। और हमारा बॉर्डर पे सैनिक रहते हैं, उसको भी आज मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, देश बचाते। और जो कोरोना में काम किया, डॉक्टर, स्लीपर, नर्स, जिसने दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, देश बचाते। और जो कोरोना में काम किया, डॉक्टर, स्लीपर, नर्स, जिसने काम किया, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आज शुभकामना देता हूँ कि कोरोना काल में इतना लोगों ने मदद किया आगे चल के और हमारा देश बच गया। बिल्कुल, आज नहीं होता तो दिवाली नहीं होती। हमारे दिवाली हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का आशीर्वाद है, उसने बहुत मेहनत किया, श्री अमित भाई ने मेहनत किया, श्री राजनाथ सिंह ने मेहनत किया, हमारा ऑफिसर ने सब मेहनत किया, सब लगे हुए, इसीलिए आज हम खुशी खुशी से दिवाली बना रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। ये थे दमन दीव के सांसद लालू भाई, जिन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम जगहों पर हर्षोल्लास के साथ जो है नया वर्ष मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन चंदन और सेवा के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन। We'll be right back.